नमस्कार, मैं निशिबाटी और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के नए सीएम और गढ़वाल सांसद के नौवें मुख्यमंत्री होंगे तीरथ सिंह रावत। आज यानी बुधवार की सुबह विधानमंडल की बैठक में तीरथ सिंह नाम पर मोहर लगा दी गई। वहीं आज शाम को 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पूरे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण किया जाएगा। साथ ही विभागों का बंटवारा भी आज ही किया जाएगा। बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत का नाम प्रस्तावित किया था। वैसे मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नामों को आगे लाया गया था, उनमें उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, आरएसएस के महासचिव सुरेश भट्ट, केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, लोकसभा सांसद अजय भट्ट और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शामिल थे। कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि कौन है ये तीरथ सिंह रावत। तो चलिए राज्य के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पिछले कार्यकाल के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तीरथ सिंह रावत 2000 में उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री चुने गए थे। इसके बाद 2007 में उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए। फिर यह उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और वहीं वर्तमान में तीरथ सिंह रावत भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ गढ़वाल लोकसभा से सांसद भी हैं। पौड़ी सीट के भाजपा के उम्मीदवार और अतिरिक्त 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। नए सीएम तीरथ सिंह रावत के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड के विकास को रफ्तार देने की है। इसके अलावा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और यह बात हर कोई जानता है कि जनता काम पर वोट देती है, आराम पर नहीं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए मौका और दस्तूर दोनों है। वैसे तीरथ सिंह रावत का नाम पहले ही चर्चाओं में नहीं था। उधर उत्तराखंड बीजेपी ऑफिस में सुबह से ही हलचल चल रही है और तीरथ सिंह रावत का नाम रेस में सबसे आगे होगा। सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं। और साथ में आज का नेतृत्व जिन्होंने भरोसा किया है, से अपने आदरणीय रमन सिंह जी का, प्रभारी सह प्रभारी जी का, मैं दिल से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय सांसद अजय चंदा जी आए हैं, मैं कभी सोचा नहीं था और कल्पना भी नहीं की थी कि जब एक विद्यार्थी जीवन में आया, राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा, भाजपा जानता नहीं था, केवल राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होते हुए शाखाओं में जाना चल रही था बेटा, यही एक था। और कई वर्ष तक विस्तारक प्रचारक रहा, लेकिन उसके बाद फिर विद्यार्थी परिषद में गया तो संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री का ऐसा दायित्व निभाता रहा। कल्पना नहीं की थी, मैं भाजपा दूर दूर तक जानता नहीं था जब मैं स्वयं सेवक के रूप में आया। लेकिन 85 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जब हार गए तो गढ़वाल का दौरा किया, दो सांसद थे। मैं तो आज का हूँ, मैं बहुत पुराना नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अवसर मिला, मौका मिला। और श्रीनगर के अंदर आए तो गजय नेथानी जी महामंत्री संगठन काम संभालते थे, उन्होंने कहा भाजपा की इकाई नहीं थी, श्रीनगर में भी नहीं थी, और उन्होंने कहा कि ये आने वाले हैं, आपको कार्यक्रम आप लोगों को लेना है। प्रचार का काम, प्रचार प्रसार से लेकर सारा तक एक रात रुके। एक हमारे जैन साहब होते थे, मेरठ चले गए, आइसक्रीम फैक्ट्री थी, उनके यहाँ भोजन हुआ, तख्ती में हुआ, सफेद चादर में हुआ, मुनीम की तप्ती जैसी में भोजन हुआ, वो परोसने का काम भी मिला, सुबह का नाश्ता हुआ। एक किराए के मकान में अरविंद जी रहते थे, मैंने त्रिवेंद्र जी ईश्वर शो के साथ में प्रचार रोका है, किराए के मकान में उनका नाश्ता हुआ। माँ कल्पना करिए अटल जी का, तो मुझे वो अवसर पैदा मौका मिला, क्योंकि भाजपा नहीं थी, सब अपने आप को संघ को संभालना पड़ता था। और उसके बाद गोपेश्वर लौट रहे तो कल्याण सिंह जी अध्यक्ष थे, कल्ला जी महामंत्री थे, उनको उल्टी आ रही थी, मुझे फिर श्रीनगर लौटे तो मुझे गजेंद्र ने बिठा दिया, हमारे विभाग प्रचार श्याम जी थे, उन्होंने बिठाया कि साथ चल रहे। मैं कोरदार उनके साथ, कल्याण सिंह के साथ, कल्ला जी के साथ धीरे धीरे बढ़ा, कोरदार आया, सभा हुई। मैं आज कह सकते हैं कि हम लोग जब लखनऊ जाते ए सी पकड़ने के लिए नजीब आ जाते 20 मिनट का, अटल जी
थ्री टायर में बैठे कोड़दार के, थ्री टायर में कल्पना करें सारी सुविधाएं की, इसलिए प्रेरणा है। तब मैं समझा कि भाजपा भी हमारा संघ परिवार का राजनीतिक संगठन, इसलिए मैं पर्तक नहीं जानता था। 7-8 साल गुजर गए थे संघ में काम करते, लेकिन ये भी मेरा भाग्य, राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन आया तो धीरे धीरे करके ये सारा आगे बढ़ा। ये सब चीजें आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के मैं यहाँ तक, जो भी काम किया टीम के साथ, बड़े का आदर करते हुए सम्मान करते हुए, उन्होंने जो कुछ बताया उसी का कृपा यहाँ तक। मित्रों, मैंने भाई मैंने कहा कि मैं कभी कल मैं छोटे से गांव से आया हूँ पढ़ाई के लिए निकल, सोचा भी नहीं था। तो जैली खान पकड़ गए, तिवेल जी ने पकड़ लिया, चले। तो ऐसा हमारा बैग में डाल दो, एक जीवन इस तरह का, इधर किनारे इसमें डाल दो ना, एक इसमें डाल दो। तूने शुरू में पकड़ा तब उसके लाइव चेक करना पीछे। तो कुल मिलाकर के आज भी मैं कह सकता हूँ कि जो बड़ों ने जो जो दायित्व दिया, जो जिम्मे दिया, वो मैंने निभाया। और आज भी आपके आशीर्वाद से मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। आपके साथ साथ आपका सहयोग, आपका मित्रवाद, आपका पूरी तरह आशीर्वाद बड़ों का, बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बड़े हैं आशीर्वाद, और सब लोग सहयोग और टीम भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो माननीय त्रिवेदी जी ने इस प्रदेश का चौमुखी विकास किया है 4 सालों में, मैं कह सकता हूँ कि पिछले दशक में इतना काम नहीं हुआ। जो केंद्र की योजनाएं थी और प्रदेश ने उसको आगे बढ़ाया, प्रदेश ने नया आयाम दिया। यानी कल्पना करिए कि हर घर को नल, नल को जल, लेकिन त्रिवेदी जी ने 1 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको देने का, कनेक्शन देने का काम किया। ऐसी ऐसी योजना कृषि के क्षेत्र में, कितना में अभी गया था मैंने किसान की बैठक ली तो देखा, मैंने पूछा, मैंने बैंक वाले बुलाए, सारे बुलाए, कितना यानी ऋण दे करके काश्तकार और अन्य उद्यम लगाने के लिए ऐसे ऐसे काम, और इतने काम उत्तराखंड के अंदर कभी हुए नहीं, हो नहीं सकता, कल्पना नहीं की, सपने भी नहीं सोचा होगा ऐसा काम आने जी कपड़ा जी, ऐसा हमारे यहाँ हुआ। और मैं कह सकता हूँ इसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे, ऐसा आपका आशीर्वाद। मैं पुनः इस समय इतना ही कहते हुए फिर आपका आशीर्वाद लेते हुए, और माननीय आदरणीय हमारे सरदेव दमन जी का मैं बहुत बहुत आभारी धन्यवाद करता हूँ। और तो जिस तरह पहुँचाया, यानी इस तरह छत्तीसगढ़ का हम कभी उदाहरण देते थे इस उत्तराखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ जैसा, ऐसा गुजरात जैसा, और उसके बाद छत्तीसगढ़ जैसा, ऐसा हम बोलते थे और बोलते हैं। आपने वो तरह का जिस तरह तो मैं कह सकता हूँ हमारे सामने जो धारा है छत्तीसगढ़, माने प्रभारी जी का, प्रभारी जी का अभिनंदन, मुख्यमंत्री जी का, बड़े भाई का, फिर और अध्यक्ष जी का, इसे सब इतना आभार प्रकट करके और आपसे क्या लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। फिलहाल इतना ही है कि उत्तराखंड को नया सीएम मिल चुका है, बस आगे देखना ये होगा कि उत्तराखंड के नए सीएम कितने ईमानदारी से अपना काम पूरा करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।